हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की, समान हिंदी की क्लास होती है। क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, एंड सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा यूज़र आईडी है, आप मुझे सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और जो भी डाउट है आप मैसेज जरूर करिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे साथियों का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, तैयारी नहीं हो पा रही है, समय कम निकाल पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, या समझ में आ रहा है कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा कम कीमत पर एक नोट्स प्रोवाइड किया रहा है। इसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। इसमें आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस नोट्स को फॉलो करना है, इसको याद करना है। बहुत अच्छा अंक आने वाला है, सरकारी सीट निश्चित तौर पर मिलेगी अगर आप इस नोट्स से तैयारी करते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग और स्ट्रीम सब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल सॉल्यूशन इसके साथ दिया जाएगा। इसमें आपको इस नोट्स को परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, ठीक है। नंबर देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी इच्छुक हैं इस क्लास के बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट्स चाहिए, कैसे मैं मिलेगा और कैसे मैं आपको व्हाट्सएप यानी कि पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी व्हाट्सएप पर। सभी लोग मैसेज करके इसको ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से दंताई ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। देखिए आंसर क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को, 6 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, शेयर कर दो फटाफट। सिद्धि त्रिपाठी, खुशबू, छाया, अंकित, सचिन, आशीष, प्रीति, आर्यन, श्रेया, सविता, निधि, सभी लोग शेयर करें क्लास को। शालिनी, प्रिया गुप्ता, 6 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा भैया। ला जो है यहाँ पर, ये दंता है, क्या हो जाएगा ला। देखिए काफी लोगों ने सी जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए और उत्तर करिए। 7 का जवाब, सेवन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए का उत्तर हो जाएगा, वह नहा कर पढ़ेगा। वह नहा कर पढ़ेगा यानी पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कोई क्रिया किसी क्रिया के बाद की जाने करने की बात की जा रही है, तो पूर्वकालिक क्रिया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश डैश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो, रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा, सभी साथी जवाब देंगे। निखिल यादव बहुत बढ़िया, संजू वेरी गुड, छाया, शुरू आर्या बहुत बढ़िया, आकांक्षा, सचिन, निधि, सभी लोग शेयर करिए और लाइक करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, विविधता। एक सेकंड, 4 ऑप्शन नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन ही सही है। क्या हो जाएगा, विविधता और विस्तार यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। देखिए भैया कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, ये पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जितने साथी जवाब दिए, सी का उत्तर हो जाएगा, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। कुछ बफरिंग हो रहा है क्या आज लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, क्लास फिलहाल चल रही है। 10 नंबर का जवाब ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, आप भी आइएगा, तो जो यहाँ पर भी है ये निपात है। निपात किसको कहते हैं, जो वाक्य को बल प्रदान कर, ठीक है, तो बल प्रदान कर रहा ना भी, ये बल प्रदान कर रहा है, आप भी आइएगा, ठीक है, तो वाक्य को बल प्रदान कर रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, प्रश्न है केस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बताएं, का उत्तर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, स्रो रूह, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। 12 का जवाब दीजिए।
12 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रश्न है किस विकल्प में सही प्रभाषिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब। काफी लोग गलत जवाब दे रहे हैं, यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। जुविनाइल ऑफेंडर जो है ये किशोर अपराधी कहा जाता है इसको, जुविनाइल ऑफेंडर, ठीक है, किशोर अपराधी, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। यहां पर अप्रेंटिस में प्रशिक्षणार्थी, ये गलत हो जाएगा। अप्रेंटिस किसको कहते हैं जिसमें काम तो किया जाता है लेकिन वेतन की कोई डिमांड नहीं होती है, वेतन का कोई वो नहीं होता, केवल उनको एक्सपीरियंस लेने के लिए वो एज ए अप्रेंटिस काम करते हैं, ठीक है, तो उसी को अप्रेंटिस कहते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। भाई सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, जितने भी लोग देख रहे हैं ना सभी लोग, पांच पांच लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो भी बहुत लोग आ जाएंगे, एक बार सभी लोग शेयर करिए। 14 नंबर का जवाब ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा भैया, खा। खा जो है ये महाप्राण है, बहुत अच्छा, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए जो प्रत्येक वर्ण है वर्णमाला में, पांचों जो प्रत्येक वर्ण वर्ग विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा और चौथा अक्षर जो है वर्ण जो है वो महाप्राण होता है, ठीक है, तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक का, ठीक है, प्रत्येक का दूसरा और चौथा जो है वर्ण है वो महाप्राण होता है। तो ये पहला जो है ये का खागा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद डैश डैश है, क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, प्राविशेषण है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा भैया, सर्वनाम है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, इसमें क्या है, ये सर्वनाम है, बहुत बढ़िया, काफी लोग, ये प्रश्नवाचक, और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। 16 नंबर का उत्तर दीजिए। सोलह नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर सभी लोग देंगे। सत्रह नंबर का जवाब ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, पद से च्युत, पद च्युत हो जाएगा, तो पद से च्युत यानी अपने पद से हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, तो अपादान कारक है इसमें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें देशज शब्द कौन सा है। 18 का उत्तर दीजिए। कोमल जायसवाल, गुड इवनिंग, चंदा, अनन्या, अमन, बहुत बढ़िया, वीके सिंह, निखिल, श्रेया, खुशबू, जवाब दीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। अट्ठारह का एक उत्तर हो जाएगा, झोपड़ी जो है ये देश शब्द है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 19 का जवाब दीजिए। उन्नीस नंबर का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द कौन सा है भैया। 20 का जवाब।
20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का बी का उत्तर हो जाएगा चंपू। बहुत अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रहा। प्रश्न है इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है, पूर्ण उपमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब, इनमें से कौन सा पूर्ण उपमा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब। 21 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ पूछा गया कौन सा है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, बताइए। एक ऑप्शन ऊपर है और तीन ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं, उम्मीद करता है पढ़ने में आ रहा होगा, देख लीजिए भाई। चलिए तो जवाब हो जाएगा इसका 22 का बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्माहट शब्द में प्रत्यय बता दो। 23 नंबर का उत्तर बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहो भाई, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट किया करो, आप लोग संख्या बढ़ाइए क्लास में। इसका सी हो जाएगा आहट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। भैया 24 का उत्तर बताइए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, 24 का जवाब बताओ। चौबीस नंबर का उत्तर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा रीत, तत्सम नहीं है। अगला देखिए 25 नंबर, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, उत्तर करें आप सभी लोग। पच्चीस नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, ए का उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, महामात्य जो दिया गया है, महादर आमात्य जो बताया गया है, ये गलत हो जाएगा, संधि विच्छेद ये गलत है भैया। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, महामात्य का क्या हो जाएगा, महाधन, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूं। हाँ, ये जो महाधन महामात्य है, इसमें महाधन आमात्य जो दिया गया है, तो जब एक ही यहाँ पर बड़ा का मात्रा है, देखिएगा एक ही बड़ा का मात्रा है, तो एक तो यहाँ पर निकल आया बड़ा का मात्रा, तो यहाँ पर तो इसके बाद में एक ही मात्रा बचा ना, तो बड़ा आ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आमात्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आमात्य ये आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आ दो कैसे निकल आएगा एक ही डंडी में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, बड़ा आ नहीं छोटा आ लगेगा। अगला देखिए 26 नंबर है, पंडित निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर, 26 का सी का उत्तर हो जाएगा भैया मूर्ख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए, क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दो। सत्ताईस नंबर का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्षा का ना होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, 28 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 का एक उत्तर हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अनावृष्टि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप लोग पढ़िए और समझ के उत्तर करिए।
क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, आंख का पर्यायवाची शब्द है, बताओ भाई आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। नंबर का उत्तर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, लोचन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, दिग्गज का सही संधि विच्छेद कौन से ऑप्शन में है भाई बताओ। बहुत बढ़िया शिवानी, खुशबू, अमन, बहुत बढ़िया विनोद, उज्जवल, अनन्या, आकाश, वेरी गुड, छाया, उत्तर क्या हो जाएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, दिक धन गज बराबर दिग्गज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रश्न है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। चलो भैया देखो, एक तरफ मुहावरा दिया गया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है, तो कौन सा गलत अर्थ दिया गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कन्नी काटना, पेच लड़ाना, पतंग काटना, ये नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा भैया गलत है, आपका ऑप्शन ए यहां पर गलत है। 32 का क्या हो जाएगा, ए वाला यहां पर ऑप्शन गलत है, काफी लोगों ने यहां पर सही उत्तर दिया है, कन्नी काटना, पेच लड़ाना, पतंग काटना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है बचकर निकलना, कन्नी काटना किसी चीज से बचकर निकलना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका दमन न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, 33 का उत्तर बताइए। थर्टी थ्री का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, आदम में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा वाक्य उत्तमावस्था में है, क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर। सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दो भैया, 135 लोग क्लास को देख रहे हैं और सिर्फ 35 लोगों ने लाइक किया है, 100 लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे हो भाई, क्लास अच्छी नहीं लग रही या मेरा मेहनत नहीं अच्छा लग रहा है या आपको हेल्प नहीं मिल रही है, बताओ भैया क्या गलती हो रही है जिससे आपका एक लाइक आप नहीं देना चाहते हो। 34 का जवाब बताओ। थर्टी फोर का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, रामचरितमानस का श्रेष्ठतम पात्र लक्ष्मण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न है गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, उत्तर करिए 35 का जवाब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, प्रकट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया, 36 का उत्तर दीजिए। थर्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, राजभाषा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। सैंतीस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दो सब लोग। बहुत बढ़िया अरविंद, वेरी गुड, ब्रजेश बहुत अच्छा, आकांक्षा, राघव, वेरी गुड, सुधा, पलक बहुत बढ़िया, उत्तर बताइए नंदनी, फैज बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सूर्या,
सविता पासवान, सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर करें। 38 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्मयाद बोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्यार्पण शब्द में उपसर्ग बता दो। थर्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यार्पण होगा तो प्रति उपसर्ग निकल आएगा इसमें से। अगला देखिए 40 नंबर है, इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है। चालीस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, ये भाववाच्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वसुधा का होगा। फोर्टी नाइन का उत्तर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, सगड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, दोहा के प्रथम चरण के में कितनी मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए। बयालीस नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आखिरी प्रश्न है आज की हमारी क्लास का, आज के लिए इतना ही काफी है। देखिए खापर का शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पर खापर लिखा हुआ है, अब इसका शुद्ध आपको बताना है। 43 का उत्तर दीजिए, सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, एक लाइक बचा है, लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट लाइक भी है। देखते हैं आखिरी लाइक कौन करता है भैया, क्लास एंड होने के बाद देखते हैं कौन सबसे पहले लाइक करता है लास्ट लाइक। फटाफट कर दो भैया, 100 लाइक कंप्लीट होने जा रहा है और क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, ये बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कोई एक स्टूडेंट आखिरी कर दो भैया, लास्ट है बस। शिवानी बहुत बढ़िया, ज्योति, शबाना वेरी गुड, अमन बहुत बढ़िया, नूरजहां, मधु वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूनम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लाइक कर दो भैया जल्दी जल्दी सब लोग, निखिल यादव, प्रिया गुप्ता, सब लोग टाइम पर आ जाया करो, ठीक है, क्लास में लेट हो जाते हो काफी लोग, लाइक कर दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 43, ठाकुर सालनी आपका भी नाम ले लिया, लाइक करो सब लोग जल्दी जल्दी। 43 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खप्पर। खप्पर ये वाला सही लिखा है ना, खापर तो होता नहीं कोई शब्द, खप्पर होता है ना, तो बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे, सभी ने क्लास देख लिया होगा, जिसका छूट गया है बीच का वो बाद में वापस से देख लीजिएगा। और भाई सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई करो, समय अपना बर्बाद मत करो, एक एक दिन आपके लिए कीमती है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारा जो स्पेशल नोट्स है बीएड एंट्रेंस का, उसको जरूर खरीदिए। अगर आपको सरकारी सीट पर ये चाहिए तो कम समय में अच्छी तैयारी आपको इस नोट से मिल जाएगा, कंप्लीट का नोट्स मिलेगा, हिंदी, जीके, रीजनिंग और स्ट्रीम सब्जेक्ट। कीमत बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज, एक किताब से भी कम कीमत में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर मत करो, इसका लाभ उठाइए, आज ही मैसेज करिए और इसको खरीदिए, और जो भी समय बचा है आप तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को एंड तक देखने के लिए, जिसने भी जीके वाली क्लास नहीं देखी थी सुबह 11 वाली जाकर देख लेना। मिलते हैं अगली क्लास कल सुबह 11 बजे।